भगवान बुद्ध त्रिदेव में से एक विष्णु का अवतार थे और यही वजह है कि भीमराव अंबेडकर भी उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ये बात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला स्थित दोरजे डक बौद्ध विहार पंथाघाटी में आयोजित भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती के मौके पर कही। किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शिमला तथा भारत तिब्बत मैत्री संघ शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य मेहमान मौजूद थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने समस्त प्रदेशवासियों को बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान बुद्ध की करुणा, शांति और आत्मज्ञान की शिक्षाएं सदियों संस्कृतियों और सीमाओं को पार करके लाखों लोगों को शांति पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि बुद्ध का संदेश आज अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से जूझ रहे हैं जो अक्सर संघर्ष, गलतफहमी, अहिंसा और भौतिकवाद से भरा हुआ है। राज्यपाल ने किन्नौर लाहौल स्पीति के बौद्ध समुदायों और भारत तिब्बत मैत्री संघ के प्रयासों की भी सराहना की। देखिए, आज के समय में बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक विश्व को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने भौतिकता को छोड़ करके करुणा को अपनाया था और लगभग अपने जीवन के 80 वर्षों के कार्यकाल को पूरी तौर पर समाज के साथ बिताया था और समाज को उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो अहिंसा की दी थी। आज जब विश्व में हिंसा बढ़ रही है, हर व्यक्ति अपने अहंकार को लेकर के चल रहा है, हर राष्ट्र का के नेतृत्व का एक अहंकार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आज के समय भगवान बुद्ध की शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है लोगों को ये समझने के लिए कि अंतिम सत्य तो पूरी तौर पर आकर के लोगों के लिए यही मिलता है कि हम कैसे शांति को स्थापित करें। शांति की स्थापना ही उनका एक महत्वपूर्ण शिक्षा का भाग रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वो आज और अधिक उपयोगी जो है पूरे विश्व के लिए। देखिए, मैं जो समझता हूं कि बुद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। विष्णु त्रिदेवों में एक देव है और इस नाते विष्णु को जो काम दिया गया है वह पालन का दिया गया है और बुद्ध को उस विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है कि अपनी शिक्षाओं के द्वारा सभी लोगों का पालन करने का काम करें। पालन तब होगा जब लोग शांति के साथ स्थापित रहेंगे। मुझे लगता है कि आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी इस नाते प्रभावित होकर के कि बुद्ध की शिक्षाओं में समत्व का भाव रहा है कि सबको साथ लेकर के चलने के नाते रहा है, तो समत्व के भाव का प्रभाव रहा है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया।